सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो, मेरा नाम नम्रता है एंड मेरा ये बेटा है पार्थ, ही इज़ 13। उनको कुछ दांतों में सिस्ट का प्रॉब्लम था जो कि एक सीटी स्कैन में पता चला, और फिर हमने ओरल सर्जन को कांटेक्ट किया जिन्होंने बताया कि किसी भी ओरल सर्जरी जो डेंटल भी हो उसके लिए मायोम काफ़ी रिकमेंडेड हॉस्पिटल है एंड डॉक्टर मनीष जो यहाँ पर हैं उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है और वो काफ़ी इसमें गाइड कर सकेंगे। ये जानकर देन वी केम टू मायोम एंड वी मेट डॉक्टर मनीष। ही वॉज़ वेरी कॉर्डियल, वेरी हेल्पफुल, एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग इन डिटेल। उन्होंने हमको जो भी प्रॉब्लम है पहले एक्सप्लेन किया, क्या पॉसिबल सर्जरी होनी चाहिए, क्या क्या उसमें डिफ़िकल्टीज आएंगी या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, कितने दिन के लिए पार्थ को प्रॉबेबली हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा या क्या उसकी लाइफ स्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे, क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, क्या क्या परहेज करना पड़ेगा। ऑल ऑफ इट वॉज एक्सप्लेन टू अस एंड रिकमेंडेड डेट्स उन्होंने दी कि कब ये अपनी पढ़ाई वढ़ाई एग्ज़ाम्स देकर हम आ सकते हैं। ही गेव अस दैट टाइम ऑल्सो, दैट विंडो ऑल्सो, एंड देन ऑन द डेट ही रिकमेंडेड और ऑन द इन द टाइम लाइन ही रिकमेंडेड वी केम टू द हॉस्पिटल एंड एवरीथिंग वॉज रेडी एंड प्लान्ड। ऑल द प्री ऑपरेटिव टेस्ट सब टाइम पर उन्होंने अलाइन करके रखे हुए थे एंड ऑन द डे ऑफ द सर्जरी अर्ली मॉर्निंग से ही आई थिंक एवरीबडी फ्रॉम द स्टाफ लाइक द नर्सिंग स्टाफ एंड द पीपल हु हैड टू ड्रेस हिम अप फॉर द सर्जरी एवरीबडी वॉज वेरी हेल्पफुल ऑन टाइम, वेरी पर्टिकुलर, बहुत ध्यान से उसको ले गए एंड सर्जरी थोड़ी लंबी चली पार्थ की, हम थोड़े परेशान भी थे लेकिन जैसे ही डॉक्टर मनीष का काम ख़त्म हो गया था, मतलब सर्जरी से, उन्होंने आकर हमको पूरा अपडेट दिया कि क्या अंदर प्रोसीजर हुआ है, वो सक्सेसफुल रही है और क्या मतलब सिस्ट निकला है और सिस्ट को हमने लैब में भेजना है, सब कुछ उन्होंने अगेन बताया एंड देन ही वॉज केप्ट इन द हॉस्पिटल फॉर 2 डेज। द हॉस्पिटल स्टाफ वॉज वेरी नाइस, द मील्स वर केप्ट यू नो टाइमली सर्व टू द पेशेंट, हमेशा ध्यान रखा गया दैट ही इज़ नॉट स्टेइंग हंग्री। इनकी ड्रिप जो चल रही थी, इनकी जो मेडिकेशन चल रही थी, दी नर्सिंग स्टाफ वॉज ऑलवेज प्रेजेंट। सो ऑल इन ऑल हमको मतलब व्हेन द डे ही वाज डिस्चार्ज व्हेन एवरीथिंग वाज एक्सप्लेन्ड आल्सो कि इसकी क्या मील्स होनी चाहिए, क्या डाइट होनी चाहिए, मेडिकेशन होना चाहिए, इट वाज वेरी वेरी डिटेल्ड, वेरी हेल्पफुल। आई वुड रियली रिकमेंड, आई होप नोबडी हैज़ टू कम टू एनी हॉस्पिटल, बट इफ़ एट ऑल इफ़ यू आर रियली थिंकिंग कि आपको कुछ तकलीफ है तो इट इज़ अ वेरी गुड एंड वेरी हेल्पफुल हॉस्पिटल स्टाफ दैट अटेंड्स टू अस। सो मायोम इज़ अ गुड प्लेस टू कम टू for such illness, I would say.